अरे हाँ मम्मी, और नहीं तो क्या। ये देखिए मैडम जी, पूरे 30 किलो है। अरे वाह भैया, आज तो पूरा 30 किलो सिलेंडर है। हमारी कंपनी के सिलेंडर आपको पूरे मिलेंगे, हमारी कंपनी में फ्रॉडगिरी नहीं चलती। ठीक है भैया। अरे कुछ नहीं मम्मी, वो सिलेंडर रखवा रही थी। आपको तो पता ही है ना कि आजकल ये लोग सिलेंडर में कितना घपला करते हैं, इसलिए इन्होंने कहा है कि सिलेंडर हमेशा तुलवा के लिए हो। अरे मैडम जी, वो पैसे दे देते आप। एक मिनट भैया। मम्मी मैं ना आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है। कितने रुपए हो गए भैया आपके? जी वो 1199 रुपए। अरे भैया मेरे पास तो 1500 रुपए है, लो जल्दी से मुझे खुले करके दो। अरे मैडम, सुबह से पहला सिलेंडर पहुंचा रहा हूँ, पहली बोनी कर रहा हूँ मैं, मेरे पास कहाँ होंगे खुले। आप देखें ना, आपके घर में खुले पड़े होंगे, जब तक मैं सिलेंडर आपके किचन में लगा देता हूँ। एक मिनट भैया, आप लोगों का तो हर बार का ड्रामा हो गया। जब आप लोगों को पता है कि आप सिलेंडर देने घर पे ही जा रहे हो, दुकान में तो नहीं जा रहे ना, तो खुले पैसे तो रखा करो ना अपने पास, हम कहाँ से लेकर के आएंगे अभी। मैडम जी इस बार आप एडजस्ट कर लीजिए, आगे से फिर ऐसा नहीं होगा। हर बार ना भैया यही होता है, पिछली बार जो आए थे ना भैया, उन्होंने भी यही बात बोली थी और मुझे नीचे जाके खुले कराने पड़े थे। अब मैं नहीं जा रही, आप जाके नीचे से खुला करा के ले आओ। वो नीचे ना सब्जी वाले भैया खड़े होंगे, उनके पास आप मेरा नाम ले लेना, वो आपको खुले दे देंगे। मैडम मेरे पैरों में ना दर्द है, अब फिर मैं नीचे जाऊंगा फिर ऊपर आऊंगा, मेरी तकलीफ बढ़ जाएगी, आप समझिए ना मैडम, देख लीजिए ना थोड़ा। अरे भैया मेरा घर है ये, और मुझे पता है कि मेरे घर में खुले पैसे हैं या नहीं है, तभी मना कर रही हूँ मैं आपको। अरे क्यों शोर मचा रहे हो, क्या हो गया? अरे तुम्हारे पास 1200 रुपए खुले हैं क्या? इनके पास ना खुले पैसे नहीं है। अरे मेरे पास खुले पैसे तो नहीं है, वैसे तुमने सिलेंडर लिया तो नहीं ना? हाँ मैंने ले लिया सिलेंडर। अरे एक बार सिलेंडर चेक भी कर लो, इसमें गैस पूरी है या नहीं है। कर लिया मैंने चेक, पूरी 30 किलो गैस है। अरे तुम इन गैस वालों को ना जानती नहीं हो, मेरे थाने में ना रोज कंप्लेंट आती है, किसी का गैस कम हो गया, किसी के साथ कुछ फ्रॉड हो गया, और आजकल तो सिलेंडर में पत्थर बांध के तोलते हैं, जिससे ग्राहक को पता भी नहीं चलता है कि उनके सिलेंडर में गैस कम है। इसीलिए ना एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि जब भी ऐसा सामान लो ना हमेशा चेक करके लो। अरे साहब जी रुको, लोहे का सिलेंडर है ये, इसमें कहाँ से ईंट पत्थर भर दूंगा मैं, और मैडम के सामने उठा के लाया हूँ मैं, अगर होता तो बचता नहीं क्या, और इनको पता नहीं चलता। अरे भाई मैं ना पुलिस वाला हूँ, ये सब तू मुझ पे छोड़ दे, मेरी बीवी ना बहुत भोली है, ये ना तुम जैसे लोगों पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेती है, एक बार ना ये सिलेंडर मुझे चेक करने दे दे, तू हट जा यहाँ से। अरे साहब मेरा भरोसा करो, रख लो सिलेंडर, कोई वेट कम नहीं है, पूरा वेट है, मैडम को चेक करा दिया, और इस पूरे एरिया में ना हमारी कंपनी सप्लाई करवाती है, आज तक कोई शिकायत नहीं है, भरोसा करो साहब मेरा, रख लो सिलेंडर। भरोसा वो भी तुम जैसे लोगों पे, एक बार बोला ना हट इस सिलेंडर पे से। अरे साहब आप तो बेकार में गुस्सा हो रहे हो, और वैसे भी आपके साथ हेरा फेरी करके मुझे जेल थोड़ी जाना है। तुझे बात समझ में नहीं आ रही, हट यहाँ से। ये देखो मेरा शक बिल्कुल सही था, ये तरीका है इनका लोगों को बेवकूफ बनाने का। अच्छा तो ये बात है, तभी मैं सोचूं कि मेरे घर में गैस इतनी जल्दी क्यों खत्म हो जाता है, तुम लोग हमेशा घपला करके ना मेरे घर में गैस कम देते हो। हाँ काजल तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ये लोग हमसे पैसे तो पूरे लेते हैं पर सिलेंडर में गैस कम देते हैं। बेटे अब तो तू लंबा जाएगा, बहुत घपला कर लिया तूने। साहब साहब गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो साहब मुझे, आगे से कभी नहीं होगा साहब ऐसे, माफ कर दो साहब। माफी वो भी तुम जैसे लोगों को, तुम जैसे लोग ना अपने फायदे के लिए देश की जनता को लूटते हो और उनका नुकसान करते हो, और मैं तुझे माफ कर दूं? बल्कि तेरे जरिए ना मैं तेरी पूरी गैंग को पकड़ूंगा और उनको सजा दिलवाऊंगा, ताकि कोई आगे से ऐसा करने की सोचे भी ना। चल थाने, अब मैं तुझे बताता हूँ। गैस सिलेंडर लेने से पहले एक बार चेक जरूर कर ले, वीडियो अच्छी लगी तो आगे भेजे। जय हिंद जय भारत।